देखो आपका क्वेश्चन ये है कि आपका एक ही सेल में सारा डेटा आ रहा है और आपको चाहिए एक ही सेल के अंदर, लेकिन एंटर लगा के चाहिए यहाँ पे, यहाँ पे एंटर चाहिए ना। तो चलो मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले इसको हम एक्सपेंड कर देते हैं ताकि हमें रिजल्ट दिख जाए, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक यूनिक वैल्यू देखेंगे जो कि सभी के अंदर रिपीट हो उस जगह पे जहाँ पर हमें एंटर लगाना है। तो देखो यहाँ पर टू है, टू है, टू है, सब में टू लिखा है ना, तो हम टू से पहले एंटर दे सकते हैं। इसी तरह से थ्री थ्री थ्री, तो थ्री से पहले दे सकते हैं। फोर फोर फोर, मतलब एक यूनिक होनी चाहिए जो कि सब में रिपीट हो रही हो। तो चलो कंट्रोल एच करेंगे। अब देखो कंट्रोल एच करके ऊपर डालना है जो भी रिपीट हो रहा है, जैसे टू रिपीट हो रहा है तो ऊपर मैंने डालना है टू, और नीचे हम कंट्रोल जे करेंगे। कंट्रोल जे शॉर्टकट होता है एंटर लगाने का उसी सेल में। कंट्रोल जे दबाया और जब टू हट जाएगा तो टू दोबारा लगाना पड़ेगा, तो कंट्रोल जे के बाद टू दबा दिया मैंने। अब देखो यहाँ कुछ दिखाई नहीं देगा, रिप्लेस ऑल कर दूंगा तो अब आप देख सकते हो क्या हुआ है। टू जो है यहाँ एंटर लग गया और उसके बाद दोबारा से टू लिखा लिखा गया है। इसी तरह से हम इसको कर देंगे थ्री और फोर को। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, ये टू और थ्री जो भी चीज़ हम रिप्लेस कर रहे हैं वो कहीं और नहीं होना चाहिए उस सेल में, वरना सारे रिप्लेस हो जाएंगे। कंट्रोल एच, अब मैं ऊपर डाल देता हूँ थ्री। अब यहाँ करता हूँ कंट्रोल जे और फिर मुझे चाहिए एंटर लग गया कंट्रोल से जे से, फिर मैं टाइप कर दूंगा थ्री रिप्लेस ऑल। तो देखो नीचे तीन आ गया। इसी तरह से अब मैं कर देता हूँ फोर, और इसको भी सबको डिलीट करना पड़ेगा, पहले दिखेगा नहीं यहाँ पे कुछ। कंट्रोल जे और फिर फोर रिप्लेस ऑल, पीछे देखो ये नीचे पहुंच जाएगा। और अब हमारी सारी वैल्यू एक ही सेल के अंदर एंटर लग चुका है सब में, अब आप देख सकते हो, ठीक है ना। अगर आप भी एक्सेल को डीपली सीखना चाहते हैं बेसिक टू एडवांस लेवल, तो आप मेरे एडवांस एक्सेल कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं जिसके अंदर मेरी पर्सनल सपोर्ट भी रहती है। तो दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या नीचे लिंक भी आ रहा होगा आपके सामने, वहां जाकर चेक कर सकते हैं।